रविवार को रामगढ़ताल में नाव संचालकों ने ट्रायल में ही 5 बच्चों समेत 9 लोगों को बिठा लिया। नाव ओवरलोडिंग के कारण अचानक एक स्पीड बोट सिकारा से टकरा गई, जिससे सिकारा पलट गई। सिकारा में बैठे 5 बच्चे, 2 पुरुष और 2 महिला डूबने लगे। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई, लोग चिल्लाने लगे, जिसके बाद स्थानीय लोगों और नाविकों के सहयोग से सभी को जैसे तैसे ताल से सुरक्षित निकाला गया। नाव पलटने की घटना से बोटिंग के दौरान अपनाए जा रहे सुरक्षा इंतजाम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लापरवाही इतनी कि ट्रायल में ही 5 बच्चों, 2 पुरुष और 2 महिलाओं को बिठा लिया। रविवार को ही ताल में पहली बार सिकारा उतारी गई थी। जीडीए की अनुमति से संचालकों ने 40 लाख खर्च कर 2 सिकारा मंगाया है। इसका ट्रायल किया जा रहा था। संचालकों ने ट्रायल के दौरान ही 5 बच्चों, 2 पुरुष और 2 महिला को बिठा लिया। इस दौरान तेजी से आ रही स्पीड बोट सिकारा से टकरा गई। सिकारा अनियंत्रित होकर पलट गई। अफरा तफरी में सभी झील में कूद गए, बच्चे रोने लगे। गनीमत यह थी कि जहां पर यह नाव पलटी वहां पर पानी अधिक नहीं था और तत्काल दूसरे नाविकों ने पानी में गिरे लोगों को बचा लिया। पिछले कुछ महीनों से जीडीए के द्वारा रामगढ़ ताल में नाव, जिससे यहां पर घूमने वाले लोगों को नाव में बैठाकर रामगढ़ झील में घुमाया जाता है। एक व्यक्ति से 100 से 200 रुपए वसूला जाता है। यह नियमों की अनदेखी कर मानक से अधिक लोगों को नाव में बिठाया जा रहा है, जिससे रविवार को हादसा हुआ है। अरे उसके अंदर है लोग, अंदर वो माला ही बैठा है। अंदर देख लो बाबू, अंदर चेक कर लो, अंदर देख लो, अंदर चेक कर लो, ये आ जाओ अंदर, अंदर चेक कर, अंदर चेक कर, अंदर जाओ, अंदर चेक करो।